जय हिंद दोस्तों। दोस्तों एक पाकिस्तानी वीडियो कुछ दिन से वायरल हो रहा है जिसमें एक लड़की किसी शादी फंक्शन में डांस कर रही है जिसमें किसी तरह की अश्लीलता नहीं दिखाया गया है। और दोस्तों इसी डांस की वजह से यह पूरा हिंदुस्तान के दिलों पर राज कर रही है। और दोस्तों आप सभी को मालूम है कि जिस काम से हिंदुस्तान को बहुत खुशी मिलती है उससे पाकिस्तान को कितना जलन होता है। भाई आपका नॉलेज तो कमाल का है भाई का। दोस्तों यह लड़की जैसे ही हिंदुस्तान में वायरल हुई वैसे ही पाकिस्तानियों के तन बदन में आग लग गया इसके डांस के जैसा। दोस्तों इस डांस की वजह से पूरा पाकिस्तान खतरे में आ गया है, उनका इस्लाम खतरे में आ गया है। वहाँ दीवार में सर पटक पटक के यहाँ बोल रहे हैं कि करे तो करे हम क्या, अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। दोस्तों आप सभी को मालूम है कि पाकिस्तानी पैदाइशी जाहिल होते हैं, उनमें जहालत कूट कूट के भरी होती है और जहालत न दिखाएं ऐसा हो ही नहीं सकता। सही बात है। तो क्या खवातीन जो घरेलू होती हैं उनको शादी ब्याह में इस तरह के बेहुदा डांस करने चाहिए? नहीं जी, नहीं बिल्कुल भी नहीं। जो मुसलमान औरतें हैं हमारी पाकिस्तान की जो कलमा पढ़ने वाली हैं उनको तो इस तरह के डांस के सुनने भी नहीं चाहिए ना देखने चाहिए, वीडियो तो दूर की बात है। ये थर्ड क्लास टिकटॉकर्स बेहुदा सा डांस करके बकवासियात करके वायरल हो जाते हैं, क्या कहना चाहेंगे ये वीडियो देखने के बाद? ये बात बहुत बुरी है, गलत बात है। अगर हमें इस्लाम की तरफ से देखा जाए तो ये चीज़ गलत है। तो हमारा दीन इस्लाम ये इजाज़त तो नहीं देता कि ये लड़कियां मतलब इस हद तक चली जाएं। तो हम यही बताना चाहते हैं कि ये जो हो रहा है जो भी हो रहा है जहाँ पर भी है, सिर्फ ये नहीं जहाँ पर भी हो रहा है ये ठीक नहीं हो रहा, बिल्कुल गलत हो रहा है। हमारा काम है जब बुराई हो रही है हम उस तरफ ना देखें। बुराई वाले तो हमारे माशरे को बुरा करना चाहते हैं ना, तो दुश्मन तो दोस्त भी बन जाए तो वो तो दुश्मन। और दोस्तों इन जाहिलों का जाहिलपन का वीडियो आप लोगों का ना दिखाऊं ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो आइए वीडियो को पहले देखते हैं। गाना है जो 65 साल पहले गाया गया, अभी सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर गया। वो तो हमें पता है। ऐसी खवातीन जो ब्याह शादियों पे नाचती हैं और उनको ये नहीं पता होता कि पास ही बैठा उनके अपने ही घर का कोई बेदिल लिंका डाल देता है और ये वीडियो रातों रात वायरल हो जाती है। फिर आपके अपने ही दानिशवार इसको इतना वायरल करते हैं कि आपके हाथ से बात निकल चुकी होती है, आप नंगे हो चुके होते हैं। क्या ये खवातीन का इस तरह का शादी ब्याह में डांस करना एक दुरुस्त अमल है या नहीं? नहीं नहीं भाई, कभी भी नहीं जी। ये आप कैसी बात करते हैं, ये नहीं होना चाहिए। हम तो सबसे पहले ये कहते हैं हमारे मुल्क में मोबाइल बंद होना चाहिए। मोबाइल बंद है हमारा जो मुल्क अपनी जगह पे वापस आ जाए। साबस इसी जाहिलपन को देखने के लिए तो हम इंडिया वाले तुम पाकिस्तानियों को पीछे पड़े रहते हैं। सही खेल गए बैंच। बंद होगा तो फिर आप कॉल किससे करेंगे? पहले भी तो गुजारा बुजुर्ग लोग करते थे ना, ये तो अभी 10-12 साल में मोबाइल में बहुत वायरल हो चुका है कि मोबाइल बहुत इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी छोटे छोटे बच्चे हैं वो भी देखें पबजी गेम खेल रहे हैं। चले मोबाइल बंद होने के बाद अगला क्या अमल होना चाहिए ये देखने के बाद? तो ये फिर नहीं बनेगा ना, ये कैसे बनेगा फिर, ये कौन बनाएगा? एक मिसाल पे भी आपके पास मोबाइल में आप कैसे ये शुक्र लगाते? तो दोस्तों आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा कि पाकिस्तान तरक्की क्यों नहीं कर रहा है। हम तो मोबाइल भी देख रहे हैं ना, हम तो कैमरे पे लगा रहे हैं। वो भी मतलब वही सिस्टम है ना, हम तो मोबाइल पे देख रहे हैं। हम हमारी डिमांड यही है, हम सबसे पहले ये कहते हैं कि हमारे मुल्क में मोबाइल बंद हो जाए, बस मसले की जड़ को ही खत्म करना चाहते हैं ये भाई। बहुत अच्छी बात है, बाकी मोबाइल बैन होना चाहिए। लेकिन ये जो हम देख रहे हैं इसमें कसूरवार ये लड़की है, इसके माँ बाप हैं या फिर सोशल मीडिया के दानिशवार जिन्होंने इसका ट्रेंड चला के वायरल कर दिया? सबसे पहले लड़की खुद नहीं, दानिशवार नचवा रहे, खुद नाच रही है ना, या वो जबरदस्ती कर रहे हैं इसके। ये देखें अभी बाजार बनाया हुआ है इसने, लाखों दुनिया देख रही है इसको। तो ये हम लोगों को खराब करने के लिए भाई, हम हमारी माई बहनें भी इसी तरह खराब हो जाए, इनका मतलब ये है इस चीज़ का। अबे चपड़गंजू, लेडीज संगीत में लेडीज डांस नहीं करेगी तो क्या जेंट्स डांस करेंगे? लेकिन ये किसकी थी, ये किसकी शादी थी? ये मेरी दोस्त की शादी। भाई दोस्त की बेस्ट फ्रेंड। बेस्ट फ्रेंड। अबे चिपड़गंजे, लेडीज संगीत में लड़कियां डांस नहीं करेंगी तो क्या तेरा बाप आके मुजरा करेगा? पड़ोसी मुल्क भारत में भी इसके चर्चे हैं और पूरी दुनिया में ये वीडियो ट्रेंडिंग में जा रही है। तो क्या खवातीन जो घरेलू होती हैं उनको शादी ब्याह में इस तरह के बेहुदा डांस करने चाहिए? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जो मुसलमान औरतें हैं हमारी पाकिस्तान की जो कलमा पढ़ने वाली हैं उनको तो इस तरह के डांस के सुनने भी नहीं चाहिए ना देखने चाहिए, वीडियो तो दूर की बात है। अब आप देखें पाकिस्तान की औरतें हैं या टिकटॉकर हैं उनको उठा के आसमान पे लगा रहे हैं। जो मुसलमान लोग हैं उनको पता ही नहीं है, जो दीनदार लोग हैं किसी किस्म का जो पढ़ा लिखा तबका है उसकी कोई वैल्यू नहीं है हमारे पाकिस्तान में। आप बाहर में चले जाएँ, इंडिया में चले जाएँ, वहाँ पर वो कहते हैं कि हमें कोई दीन सिखाए। यहाँ पर पाकिस्तान में जहाँ पर दीन है वहाँ पर दीन का नाम ही नहीं है। वहाँ पर टिकटॉकर को देखें उठा के आसमान पर लगाए हुए हैं, जिसको भी देखें आप
जितनी भी लेडीज हैं, लड़की हैं, कोई भी हैं, कलमा पढ़ने वाली हैं, उनको ये बेहूदा काम करने ही नहीं चाहिए। मस्त जोक मारा रे। करना तो दूर की बात है, बात वही आ गई है कि उनको कलमा पढ़े, नमाज पढ़े, अपना जो दीन है जो आप सल्लम ने सिखाया वो काम करे। अगर हमारे यहाँ कोई बंदा मॉडल बनाता है, गैजेट बनाता है, कोई फन दिखाता है तो वो प्रमोट नहीं होता। ये थर्ड क्लास टिकटॉकर बेहूदा सा डांस करके बकवासियात करके वायरल हो जाते हैं, क्या कहना चाहेंगे ये वीडियो देखने के बाद? ये फाशी का एक जरिया लोगों ने बना दिया, इस पे फुल अमल होना चाहिए, इसको रोकना चाहिए। मगर क्यों? ताकि यंग जनरेशन को कुछ समझ में आए, क्योंकि यंग लोग तो कुछ समझते नहीं है। कुछ तालीम याफ्ता लोग ऐसे के ऐसे चीजों पे बहुत ज्यादा ज़हन तवज्जो देके टिकटॉक ऐसे देखते हैं, अपना टाइम जाया करते हैं। ये वीडियो बनाने वाला कसूरवार है या इसके माँ बाप कसूरवार है जिन्होंने ये डांस की तरबियत इसको सिखाई है, ना कि इसको कोई कुरान का सबक सिखाया, ना कोई अच्छी बात से। दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ कि सबसे बड़ा जाहिल और कसूरवार ये सवाल करने वाला है। मगर क्यों? अबे जाहिलो, लड़की डांस करे इसमें गलत क्या बात है? सही बात है। ये इसका जिम्मेवार सब लोग हैं जो यहाँ पे बैठते हैं, इसको देखते हैं, इन पे फाशी करते हैं, इन पे पैसे फेंकते हैं। ये बात बहुत बुरी है, गलत बात है। अगर हमें इस्लाम की तरफ से देखा जाए तो ये चीज़ गलत है। इस्लाम में ये चीज़ नहीं है, गाना बजाना या ये चीज़ इस्लाम में नहीं है। इस्लाम के दायरे से ये सब बाहर है, ये यहूदियों वाला काम है और ये वो लोग करते हैं, हम लोग नहीं कर सकते। जहालत की हद होती है। तुम लोग वीडियो बनाओ, फोटो खींचो तो वो सही है, लेकिन औरत लोग करें तो वह गलत है। शाबाश शाबाश। देखना मुसलमानों, तुम पे कहर टूटेगा, जहन्नुम में ना बड़े बड़े पत्थरों से मुंह कुचला जाएगा, देख लेना तुम लोग। ये जो खातून डांस कर रही है ये कसूरवार है, इसकी फिल्म बनाने वाला कसूरवार है, या इसके माँ बाप कसूरवार है, या माशरा कसूरवार है जो इसको सोशल मीडिया पे वायरल कर रहा है? ये माशरा भी है और इसके वालिदैन का भी काम है कि इस पे अपने औलाद पे कंट्रोल। तो बस तो फार लो तो पाओ। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है ये तो। यार जी ये तो, ये पाकिस्तान तो मुझे नहीं लग रहा, ये तो बहुत बेहूदी हरकतें हैं, ये टिकटॉक पे चल रही हैं। तो हमारा दीन इस्लाम ये इजाजत तो नहीं देता कि ये लड़कियां मतलब है इस हद तक चली जाए। मरना है क्या भोसड़ी के? तो हमारा दीन इस्लाम कहता है कि दावत तबलीग करें और अच्छी बातें करें। चूतिए हो तुम दोनों। और ये तो आज जो मैं देख रहा हूँ ये तो मतलब है इंडिया में ये काम होने चाहिए। अबे जाहिलो, इंडिया में क्यों होना चाहिए? इंडिया में तुम जैसे जाहिल लोग नहीं रहते, समझे ना? इंडिया में नाचना गाना एक फंक्शन है, समझे? और ये जो मुल्क में बना ये इस काम के लिए नहीं बना था कि डांस हो या ऐसी कोई बेहूदी हरकतें पाकिस्तान के अंदर हो, इसके लिए ये नहीं बना। तो हम यही बताना चाहते हैं कि ये जो हो रहा है, जो भी हो रहा है, जहाँ पर भी है, सिर्फ ये नहीं जहाँ पर भी हो रहा है, ये ठीक नहीं हो रहा, बिल्कुल गलत हो रहा है। तुम लोग मुजरा करो तो वो ठीक है, तुम लोग मुजरा देखने जाते हो वो भी ठीक है, लेडीज लोग करती है तो वो गलत है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आप सभी को बेहद पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, और इन पाकिस्तानियों के बारे में आप लोगों का क्या राय है कमेंट में सब लिख डालिए। ठीक है, अपने भाई का फुल सपोर्ट कीजिए ताकि ऐसा मजेदार वीडियो लाता रहूं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक और मजेदार वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद, जय श्री राम।